Yeah.
Thank you.
बिला तखीर मैं खिताब ज़िशान के लिए दावत देने लगा हूं। रुकने शूरा व नाज़िमे आला शुमाली पंजाब और मोहतरम जामिया फरूफिया रज़विया उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस हजरत अल्लामा हाफिज गुलाम अब्बास फैजी साहब तशरीफ लाते हैं और इज़हार ख़याल फरमाते हैं। قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين। इस देश के दर्रे दर्रे को हम अपने खून से सींचेंगे। इस देश के दर्रे दर्रे को हम अपने खून से सींचेंगे। अल्लाह की कसम इस धरती को गुलजार बना के दम लगेगा। अरबों खरबों करोड़ों दूध और सलाम अपने आका मौला की बारगाह में जिनके नाम नामी इसमें जहानी से पूरी कायनात का वजूद है। करोड़ों लातादाद नूर किबला अमीन मुजाहिदीन की बारगाह में सलाम आपकी बारगाह में।
کہ انہوں نے امت کو جینے کا طریقہ سکھا دیا ہے اور لاکھوں سلام حضور کے علم جو چار مہینے سے ظلم و ستم کا مقابلہ کر رہے ہیں چار مہینوں سے یہ ہر قسم کے جگہ کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ وہ دیوانے ہیں جنہوں نے 36 شہداء کی لاشیں اپنے کاندھوں پر اٹھائیں یہ وہ دیوانے ہیں جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو زخمی اپنے زخمی لوگوں کو اٹھایا بیسوں لوگ اپنے معذور کرائے اور چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک خوش شہدوں دلائے چار چار مہینے جیل کاٹی اور پھر اس شام سے آئے کل عدم دانے والوں کے منبر زوردار تماشا مطلب کیا
अपनी पावर मत दिखाओ, तुम अपनी पावर कश्मीर में दिखाओ। साधो हुजूर के दुश्मनों के खिलाफ अपनी पावर दिखाओ। पाकिस्तान इसलिए बना था, तुम हुजूर का नाम लेने वालों पर बोलने चलो, इसलिए पाकिस्तान बना था। जो यार सुनकर नारा लगे उन्हें खून डालो, शहरी की बारिश कर दो, उन पर तेजाब का टैंकर फेंक दो। इसलिए पाकिस्तान बना था कि तुम गुस्ताखों की हिफाजत करो, तुम दीन दुश्मनों की हिफाजत करो। पाकिस्तान तो इसलिए बना था, 18 लाख मुसलमानों ने कुर्बानी भी इसलिए दी थी। मैंने देखा सफेद पर बड़े बड़े हजरात को रो रहे थे, खुशी खुशी रो रहे थे। या अल्लाह, तू हुजूर के गुलामी के अंदर तुमने ऐसा जज्बा भर दिया है। हमारे वो लोग जिनको अपने घर में जाने की इजाजत नहीं, 2 महीने पाबंदी आती है और सब पर शोर शुरू लगा दिया, 40-40, 50-50 का तैयार का। क्यों मैं हमने वतन बनाया है, क्यों में जिन्होंने वतन के टुकड़े किए उनको तो तुमने इख्तियार दिया, जिन्होंने पूरा सिंध चलाया उनको तो तुमने इख्तियार दिया, और जिन्होंने मोदी को घर बनाया उनको तो तुमने इख्तियार दिया। और आज वो शरूर है अमीर मुजाहिदीन के बच्चों पर, ये भी अमीर मुजाहिदीन के बच्चे हम चाहते तुम
हमारी हकूमत उलट सकते थे, चाहते इंकलाब ला सकते थे, हम अपने वादे के पाबंद रहे। हमने कहा नहीं, हमने टाइम दिया है, उस टाइम के पाबंद। तुम इतने वादा खिलाफ लोग हो, साइन करके मुकर जाते हो, तुम कौन हो? ये तो मुसलमानों के रामना हो, कभी सोचो क्या तुम हरकतें करते हो। तुम साइन करके वादा करके जेल में परेशान करके फिर मुकर जाते हो। खुदा की कसम अपने कैदीन को देखते रहते हैं, कैदीन को इशारा करें चले जाओ, सर झुका के चले जाओ, कैदीन इशारा करें चल पड़ो, चल पड़ते। ये 20-30 किलोमीटर छलांगे लगा करके लगता है नारा लगाने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं कल जब भी मुश्किल वक्त आएगा ये फौज के साथ यही खड़े होने वाले, यही लोग खड़े होने वाले वतन की हिफाजत के लिए, यही लोग जाने देने वाले हैं। हम तुम्हें क्या कहते हैं, तुम वतन से पहले इस्लाम के अपनी जान का नजराना इस्लाम आइए दो, तुम इस्लामी नजरियाती सरहदों के भी मुहाफिज हो, पाकिस्तान की सरहदों के। और हम आखिर में असल में करा यही हुआ था, इबला सरवर शाह साहब का खिताब फरमाएंगे, असल खिताब उन्होंने फरमाना है, लेकिन हम आखिर में यही कहना चाहते हैं 26 बंदे हमारे शहीद हुए, सैकड़ों बंदे हमारे जख्मी हुए, बीसों बंदे हमारे मौजूद। यार तुम्हारा जी अभी तक ठंडा नहीं हुआ, अभी तुम पकड़ पकड़ के उनको घसीट रहे हो, अभी तुम उनको पाबंद खिलाफत कर रहे हो, वो तो खुदा का खौफ हो, तुम्हें मरना नहीं है। आज तुम शनाख्त करके बिठा देते हैं, पहले तस्वीरें लेते हैं, पहले उनकी खूब शनाख्त थाने में करके जाते हैं, फिर कहते हैं ये बंदा है। आज तुम शनाख्त परेड करो, कल मैसर का दिन होगा, हुजूर के सामने हम तुम्हारी शनाख्त करेंगे, नहीं है। आज भी किसी बड़ी कदावर खान मलक का मुकर नहीं है, दीन आज फकत एक सजदा शब्बीर का मुकर है। कौन है कि जो निकल कर आपको एक बात सुनाऊं, अभी रास्ते में हमें लगे रहते हैं लोग कहने जी आपको हम थकाएंगे, कितना थकेंगे, कहां तक जाएंगे, हम आपको थका लेंगे, फिर आखिर आपको हमारे साथ बैठना पड़ जाएगा। मैंने कहा चलो 80-313 ये बदर जाके नहीं चल जाएंगे, नहीं चलते असी खंदक जा के नहीं थकते, असी मुरैसी जा के नहीं थकते, असी मुस्तरब जा के नहीं थकते, असी तबूक जा के नहीं थकते, असी 72 दे के करबला च नहीं थकते,
असीर आठ मोड़े दे चुप के फैजाबाद नहीं थकते मुड़ जाके फैजाबाद बह जाने 50,000 शैल बरसा लो गोलियां बरसा लो असी नहीं थकते क्योंकि बाबा जी ने जब सानू लड़ाइश का जाम पिलाया ना वो तो अजे सिर्फ दुनिया वेखती पई कि बाबा टुर गया ऐश छला मार रहा ऐश छला मार रहा अजे एक मंजर बाकी है कि हम सूए हशर चलेंगे शाहे अब्रार के साथ और काफिला हो गया रवा काफिला सालार के साथ ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ और हमसे कहा जाता है कि जी आप सियासी तौर पर नाबालिग हैं मैंने कहा कैसे जी कहने लगे जी आपको पता ही नहीं एडजस्टमेंट किसको कहते हैं लेन देन किसको कहते हैं ऊपर नीचे अंडर द टेबल कैसे बातें की जाती है मैंने कहा 11 सितारे मिल गए हैं 12वां खिलाड़ी बाहर बैठा है जब हम मैदान में होंगे ये भी मिल जाएगा तुम सारे मिलकर आ जाना सारे इकट्ठे होकर आ जाना हम नजरिया काबिले फरोख्त रखते ही नहीं है अगर सीटों की बात हो तो कब के ले चुके होते पैसों की बात हो कब के ले चुके होते गाड़ियों की बात हो जनाब मुरब्बों और जमीनों की बात हो कब तक ले चुके होते हमारे कायद ने हमें सबक ये पढ़ाया है कि मर ही जाऊं तो इस तरह से जाऊं मर ही जाऊं तो इस तरह से जाऊं दो कदम क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर मैंने कहा कौम ने हम पर एतमाद इसलिए नहीं किया कि आप हमें रोडे बनवा कर देंगे वक्त आएगा बेहतरीन बनवा कर देंगे कौम ने इसलिए हम पर एतमाद नहीं किया नालियां बनवा के देंगे कौम ने हम पर एतमाद किया कि हजरत साहब अल्लाह का वास्ता इन जालिमों के सामने खड़े रहना तो हमने भी उनसे वादा किया है कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे हमने जो बाबा जी रिवायत देकर गए हम वो नहीं छोड़ सकते अगर 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 लोग ये समझते हैं कि चंद सियासियों से चंद मजहबियों से और जनाब हाथ मिलाने से बात बन जाती है तो मैंने कहा फिर हुसैनियों और यजीदियों में फर्क क्या है हुसैन से भी तो यजीद ने एक वोट ही मांगा था एक वोट मांगा था कि हुसैन मेरे हाथ में आ जा सारा कुछ मिल जाएगा फरमाया 72 देश हो सकता हूँ खानदान रिसालत कटवा तो सकता हूँ यजीद के हाथ पर बैत नहीं कर सकता अल्लामा खालिद हुसैन रिज़वी ने क्या किया है कहा 86 जेल भेज सकता हूँ हर जुल्म बर्दाश्त कर सकता हूँ औलादे उठा कर ले जाओ माल जब्त कर ले जाओ जनाब जायदादे जब्त कर लो जो तुम्हारा दिल कर ले फिर कर लो फिर भी आकर यही कहूंगा कि सितम करे दरा हुनर आजमाए सितम करे दरा हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए तुम तीर आजमाते रहोगे इस जिगर में हुब्बे रसूल है कहते हो कि हम तुम्हें डरा लेंगे धमका लेंगे अभी तो उम्र ही क्या है बातें बना लेंगे मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता कि नरगाए राहजन से पुकारता है मुझे कोई नरगाए राहजन से पुकारता है मुझे कोई फराजदार से देख लूं कहीं कारवाने सहर ना हो बात यह है कि इस जगह मैं खड़ा हूं ना हो कोई और आकर खड़ा हो जाए इस काफिले ने कयामत तक चलना है जिसने बातिल की आंख में आंख डालकर बात करनी है जिसने जालिम के आगे सर को नहीं झुकाना जो मर्जी हो जाए अगर चाहे वो बंदे खुद मांगकर हम पर पर्चे देते रहे कोई बात नहीं ऐसा भी चलता है ऐसे भी दोहराते रहते हैं कोई बात नहीं लेकिन तुम्हें याद हो कि ना याद हो हमें याद है जरा जरा हाँ ये सारी बातें हमारे दिल पर नक्श है कर लो जो जुल्म कर सकते हो कर लो जो कर सकते हो कर लो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा पाला किन से पड़ा है तुम्हारा वास्ता किन्हें ना प्यार तुम्हें पता ही नहीं तुसी लोगों को दाएं बाएं गल्ला करते फिरते हो जनाब के अभी अप्रैल है रोजे हसन किन किन बार में कर सन मैं कहा वड्डे नहीं बहुत वड्डी गल है कौन तो रोजे रख के जंगल अंडे रहन ना अडे गडे हैं बुजुर्गन हैं जवान हैं इन रोजे रात के कड़क कब गिने गा गा गिने ते नामों से रिसालत ते पैरों में जिसम फरमाने सन के गाल मस्जिद दे सबीकरां दी नहीं गाल मस्जिद दे टूटियां दी नहीं एक काम तो आड़े घर तक आ जाना किबला आ गया
आ गया और लोग समझ रहे हैं कि ये जले इंद्राब जज्बाती नारे ला रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, FATF पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। और जनाब जाके सर्च कर लेना कि ना उन्हें खानकाह छटनिया ना उन्हें मस्जिद छटनिया ना उन्हें छटनिया जे दादा आज भी मौका नाल खड़ो जाओ। मैं तो इतनी गल दस दिया साढ़े वाल कोई आएगा सोच के आएगा साड़ी मसीद भी बंद करान कोई नहीं आता ना सानू कोई आखन आता कोई वक्फा पाओ। उन्होंने पता कि ये सिर तो दे सकते दीन नाल गद्दारी नहीं कर सकते। आज भी तुहाडे कोल मौका साढ़े नाल खड़े हो जाओ इज्जत भी बन जाएगी इज्जत बच भी जाएगी सारा कुछ बच जाएगा वरना सब कुछ लुटा बैठोगे सब कुछ लुटा बैठोगे तो आनु पता ही लगेगा कि तुहाडे नाल ये हाथ की कर गए। साढ़े कोल तकलीफ की है जी की तकलीफ है एक कोई गल की साड़ी ये गल नहीं मनते सच्ची गल हो क्यों नहीं मनते झूठ कौन मनता कौम दे उते सौदाबाजी कौन करता। अगर गैरतमंद होवे खून थोड़ी जी गैरत होवे तो अपनी इज्जत का सौदा करता नहीं करता ना ते असा ए अपनी मिल्लत का सौदा कर सकते हैं किसे नाल जड़ा लुच्चा जड़ा निफंगा जिन्हें जनाब कौम का माल लुट के खाता जड़ा बहुता चौड़ा जड़ा चौधरी उन्हें तुसी जनाब मुंतखब करके अगे भेज देंदे हो। फिर जनाब कौम का जड़ा वड्डा राजदान है मुड़ मुड़ के तीनों वारी है कोई पहले प्यो बल्कि नाना फिर दी फिर अगे दोतरा फिर उनका प्यो ठीक है जी पहले प्यो फिर दी हाँ जनाब अगे ये जड़े ये तो प्यो मां तो ही बगैर इन्हों का तो पता नहीं भी अगो पिछु के में इन्हें तो नहीं पता। मैं तो सिर्फ इतना दस आया भी खेडा और ही लगी हुई सारे कहना और झल्यो कदे इश्क के तूफान भी डके गए इश्क के तूफान नहीं डके जाते और आशक नाल पंगे नहीं ले जाते। साडा एक ही मकसद है कि असी पाकिस्तान नू जिन्हें बुनियादों के उत्ते हासिल किया उन्हें बुनियादों की तरफ वापस लेके चढ़ना जिन्होंने जेल आबाद की दिया और आख्या के है मश के सुगन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी और इस सारे जुल्म सहन तो बाद बैंक आने शाम रात दिन रात रिपोर्ट पर्चे जनाब खर्चे सारा कुछ शैलेना और हर वक्त डराना लगा फिर भी जनाब दबा नहीं शाहों के तकबर से भी दब कर न रहा मैं आखिर किस बार गाहे खास का गदा हूं मैं। असी तो सिर्फ इतना दसन आया कि असी काबले फरोख्त नहीं हाँ जिन्होंने तुम गल करते हो ना वो इतने भी लम्बे पै जाते हैं एक फोन के उत्ते बिना यारह जमात सन एक एक फोन गया सारिया घरों वड़ गई एक एक फोन मैं तुम सची गल दस रहा लोग कहते जी वो बाबा जाओ मैं क्या चलो तुम मर्द देखे नहीं आओ साढ़े नाल पवो असी सारे प्रेशर लैन तो बाद असं आने चले लगते हो बच्चे लगते हो तुम साढ़े नाल लाओगे लोग गल करते जनाब इंज हो जाता है सैनेटे गड्डिया भर के सारा कुछ लैके आए डेढ़ घंटा सिर खाते रहे जनाब इंज कर लो इंज कर लो मैं क्या यार तुम लेट आए हो साड़ी डील पहले हो चुकी कहते हमसे बेहतर आपको किसी ने कुछ दिया है मैं क्या साढ़े कायद साढ़ा सौदा बाजारे मुस्तफा इश करके गया फिर अगली गल अगली गल फोन करके कह लगे जनाब के इतने ज्यादा असि तुम ऑफर्स कीतियां तुम कबूल नहीं कीतियां सानू बड़ी परेशानी मैं क्या नहीं अपने वजीर आजम साहब रियाया 1400 साल बाद गुजरन तो बाद भी अज भी ईमान की रती रखने वाले लोग मौजूद हैं जिन्होंने कायनात की कोई कीमत नहीं खरीद सकती बल्कि खुश हो जाओ कायनात की कोई कुवत कोई चीज नहीं खरीद सकती और तुहाडे नाल असीं वादा कीता होया असीं विकण वाले नहीं ना झुकण वाले हां बाकी ये सर साढ़े काज के सामने किसी ने नारा लाया सी काज कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं जा फरमाने से ना झल्यो असा हुजूर दे नाम ते गर्दना बना चुके हैं असा ये गर्दना हुजूर वास्ते रखी हुई है ते बाकी रह गई वी दी गल आज खबरें चल रही है सन मेरे तक भी पैगाम आया जी ईद से पहले पहले मैं क्या ईद से नहीं 20 से पहले पहले ईद से पहले पहले नहीं 20 से पहले पहले और अगर 20 से पहले पहले नहीं तो अपनी जबान के भी कर दे साहब
अभी हो ऐसी बात, असी अपना पूरा हक लवांगे और हक रखते हैं। अजय असी लोग आखते जी तुहाडे कोल वोट कोई नहीं, मैं कहा एक ग्रां का जलसा करिए जा थोड़ी पै जाती, एक ग्रां का जलसा करिए जा थोड़ी पै जाती, जे तुम कराओ इलेक्शन सही डब्बे रखो, जो थोड़े डब्बे ना थोड़ गया तो गल करना, ये तो गल ही कोई नहीं। डाके मार के राती चुक के ओ गई है पुरानियां गल्लां, ओ बाबे होरी कहिंदे सन कोई गल नहीं, मेरे कोल ये गल कोई नहीं, भी कोई गल नहीं, मेरे कोल ये गल कोई नहीं, कोई गल नहीं, मैनू सारियां गल्लां आंदियां। ओ बाबा जी फरमांदे ना चलो जड़े हो कोई गल नहीं, ते असीं आखने कोई गल नहीं, हुण कोई गल नहीं, हुण ये काम नहीं चलेगा। असीं कौम नूं हर किस्म दे फितने तो, हर किस्म की बेरारवी तो, हर किस्म के तशद्दुद तो पार करके इस राह ते आया। जे तुसी साडा ए राह भी डगोगे ना फिर सानू बाकी राह भी आने, आपां खुली भी गल है, जे तुसी साडा ए राह भी डगोगे कि जनाब असी पूरी कौम नूं हर किस्म की बेरारवी तो, हर तुसी पाकिस्तान का बदतरीन ऑपरेशन किया साडी तहरीक उत्ते जिसे कोई छुरी भी बरामद नहीं हुई, ए तशद्दुद पसंद शिद्दत पसंद शिद्दत पसंद। हाँ मैं क्या हजूर की इज्जत वास्ते शिद्दत पसंद ना, बिल्कुल शिद्दत पसंद ना, उससे कोई नरमी नहीं, बाकी वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिन हो तो फौलाद है मोमिन। तुसी अमन पसंद हो प्लेट रख के कश्मीर दे देता जे ना, और बाकी कश्मीर के पन्ने उनके भी लाले पे होने भी लाले पे आए, तो अमन पसंदी असं देख चुके हैं, साडा ये रस्ता नहीं रोकना, जे ये रोकोगे तो फिर साढ़े को बड़े रस्ते हैं, मैं खुली भी गल है फिर बड़े रस्ते हैं, लिहाजा इंसान बन जाओ साढ़े रस्ते ना रोको। असी इस पाकिस्तान के बारे सा और साढ़े गाले झोपड़ वतनी के पटे ना पाओ, बिल्कुल साढ़े तो वड्डा मुहब्बे वतन कोई नहीं, जो भी मुल्क के उत्ते औखा वेल आया सब नो पहले लबैक आए खड़ोते हैं, जड़ा भी मामला आ जाए तुसा लबैक आखने का। बहरहाल एक गल आखिरी गल बाकी आने वाले, असी तुसा बेचण वाले नहीं, ना तुहाडे जज्बात बेचण वाले हैं, ना तुहाडे नजरियात, कोई शायद तुड़ी नहीं विकनी जो तक असी सलामत आ। हाँ असी टुट गया तो फिर रब जाने तो उनका रसूल जाने, असी बाकी आखने सारे कि अज आ जाओ लबैक नाल, हुण आखदे हो बाबा बड़ा चंगा आ, मैं कहा अज असी तुहानू लभ गए, अज आ जाओ साढ़े नाल खड़ो जाओ, सारे चीज़ां बच जाणगियां और घर भी रह जाएगा बार भी रह जाएगा इज्जत भी रह जाएगी, अज खड़ो जाओ हुज़ूर दे दीन नाल। और जिस आप उताब नाल अगे वध रही है अल्लाह ताला इसनू हर किस्म के साशियों तो बचाए, हर किस्म के फितरियां तो बचाए, और चीनी चोर चावल चोर आटे चोर IMF के गुलाम FATF के गुलाम तो इंशाअल्लाह तहरीक लबैक जल्द पाकिस्तान को निजात दिलाएगी। और इतने पता लगे बाबा जी आके गए कि जो हजूर का दीन आएगा ये जमीन ही सोना उगलेगी, और सोना उगलेगी इंशाअल्लाह, और जो सूद खत्म होएगा सारिया चीजा खत्म हो गई, तो एक गलत वोट वोट पता नहीं कितनी इस तरह का सौदागर पड़ जाता, तुहाडा एक गलत फैसला पता नहीं कितने मजलूमां दे उत्ते ज़ुल्म ढांदा, तुहाडा एक गलत फैसला पता नहीं कितने नूं भुखा सौण ते मजबूर करदा, तुहाडा एक गलत फैसला पता नहीं कितने गरीबां और मिसकीनां और बेरोजगारां नूं खुदकुशी करन ते मजबूर करदा। लिहाजा अपने फैसले नूं दुरुस्त करो, हुण हुज़ूर दे दीन नाल खड़े हो जाओ। असीं किसे नूं नहीं कहिंदे, उन्होंने कहा सारे ने की कीता, तुसी देख लिया सारे ने की कीता, ये सारी कुत्तियां चोरां नाल रलियां होईयां अंदरों, मुड़ मुड़ के हुई मुड़ मुड़ के हुई मुड़ मुड़ के हुई, लिहाजा हुज़ूर दे दीन की तरफ आ जाओ, सानू रोटी लभे ना लभे असा हुण उस निज़ाम की तरफ जाण आज भी तमन्ना है ते सारा है देखे हम अपने रब के आखिरी फरमान का मंजर, नबी की शान का मंजर, नबी की आन का मंजर, अपनी जेबों से माल खर्च किए, बड़े दूर दराज कुर्ब जमाल से हाजिर हुए, जिनका काम हम करते हैं
इतने करीब है कि खुद भीड़ दें और खुद कहे मेरे मुंडे का गुना। कभी भी दिल में ये ख्याल नहीं लाना कि मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, कहाँ से लूंगा। क़यामत वाले दिन हर बंदा कहेगा, आए मैं सब कुछ क्यों ना लुटा दूं। आज मेरे की पना पूरा खुद दिन खड़ा होना। कभी जेल भी नहीं आनी है गल, समाल फकर फखरी का आशाने इमारत में। हाँ, समा इकबाल कहना, समाल फकर फखरी का आशाने इमारत में, बाबो रंगो खालो खत हाजत रूए जेबारा, फटे कपड़े ना सहाबा। इमारत इमारत की थी तो बादशाही की थी, पूरा कुफर है घेर दसी कह दो कितो आए हो शेर मोहम्मद अली। अर्ज मैं क्या बताऊं तुझको कि वो सहारा मशीन क्या थे, जिन्हों दिया गल असी करते हैं, जिन्हें सानू नजरिया दिता, जिन्हें जिता के साडे बजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया। 1857 की जंग लड़ी और काले पानी ने अलामा फजल खैर आबादी टोकरे चा के कहते सर और फदा तो मुहम्मद खैर बलाएगा। मैं तुम मैंने मुंज का लिबास कमा के मिट्टी के टोकरे चमा दी, कहते मैं हट जाऊंगा। फरमाया फजल हक इस हालत में भी ऐलान कर रहा है, जब तक जिंदा है वो हुजूर पर कुर्बान होने के लिए। सवार हो के गए ना, उन्हें उठने जिस जगह पेशाब फरमाया ना, उन्हें तो स्थान बराबर नहीं हो सकती। अगर कोई अमन चाहता है तो अमन के एक ही तरीका है कि मोहम्मद से वफा सुन ले तो हम ले। पाकिस्तान के वास्ते साढ़े दो घंटा कोई महत्व वतन कोई नहीं, असि पाकिस्तान का एक रुपया भी नहीं खाता, अरबा रुपया खा के पाकिस्तान की बात करना है और मोटरसाइकिल और मोबाइल बेचकर दूर दराज से 2 नवंबर की कॉन्फ्रेंस में आकर चाली पचाली साल घर इतनी की
दहशत तो मुस्लिम अगर सील क्यों छुड़वाया? आप कहते हैं कि हमने पाबंदी लगा दी है, पहले क्यों की थी? तुम काफिर से तो हम मस्जिद जाते, आपको पता नहीं थी? अल्लाह कर दे तुझे रैली तो पहले पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया, अंदर नहीं होगा जो हुआ उनके खिलाफ फिर से कर दो। जिसने पाकिस्तान बनाने में हिस्सा लिया हो वो हमारे बुजुर्ग थे, वो हमारे बुजुर्ग थे। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू
बाप दादा कोई एक जिसने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी हो,
और उस दौर से लेकर 1857 से लेकर आज तक अगर इस मुल्क की बका के लिए किसी ने कुर्बानी दी है तो वो रसूलुल्लाह के गुलाम है। जिन्होंने कुर्बानियां दी है और उलमा की लाशों को जब फांसी घाट खत्म हो गए तो फिर जनाब उनको दरख्तों के साथ लटकाया गया। वो कौन थे? वो सुन्नी उलमा थे, वो हमारे उलमा थे जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी। और आज उन उलमा के साथ क्या किया जा रहा है? हालात हाजिर में गौर कर देखो, किसी जगह पे बाबा जी की तस्वीर लगी होगी ना, दौड़ के फोन करके की तस्वीर उतारो। जवन साल 54 साल बाबा जी की उम्र थी। इन 54 साल के अंदर कोई एक मुहक्किक एक लफ्ज बता दे कि जरा बाबा जी ने पाकिस्तान के खिलाफ हो गया, कोई एक लफ्ज। असलों के जिम्मेदार होंगे। अच्छा, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलिया उन्होंने तस्वीर तो बर्दाश्त नहीं। रंजीत सिंह का मुजस्मा तुम बर्दाश्त है? और रंजीत सिंह का मुजस्मा तुम बर्दाश्त है? लेकिन जेड़े रसूलुल्लाह दी सारी जिंदगी इसके रसूल का कष्ट रहे, मोहब्बत के रसूल का कष्ट रहे, आका के कुर्बान होने का कष्ट रहे, उनकी तस्वीर तुम कबूल नहीं। याद रखो, ये बदमाशियां सदा नहीं चलेगी, ये हुकूमत सदा नहीं रहनी। एक दिन इस हुकूमत ले जाने, इस हुकूमत ले एक दिन और करो। रंजीत सिंह का मुजस्मा लगे होगी, हिफाजत भी होए, जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज ना बोलिया, पाकिस्तान के इदारों नाल इदारों के खिलाफ कोई लफ्ज ना बोलिया। पर मैं मुल्क के हिफाजत मुहाफिज बादशाह असी इन्होंने नाल खड़ोते हैं और उस दौर च भी नाल खड़ोते जिस दौर के अंदर किसी ने कहा कि अगर जनाब कुत्ता भी मरे तो हम उसको शहीद कहूंगा, ये मरेगा हम शहीद नहीं कहेंगे। बाबा जी ने कहा ना ना, साड़ी फौज का जिसे सिपाही शहीद होएगा, वतन पे कुर्बान होएगा, शहीद होएगा। जो तो फुटबॉल खेले जा रहे सर सिराना उदो भी जनाब बाबा जी नाल खड़ोते हुए सर, जैसा जुलम होया जैसा जबन होया बाबा जी एक इदार वतन की मोहब्बत इदारे के नाल खड़ोते रहे। अज उन्हों की तस्वीर बर्दाश्त क्यों नहीं? जिन्हें जनाब बेनजीर मरी के अद्धा सिंह जलाया वह कल अदम ना होए, जे जनाब स्पीकर से खिलो के कहते सर साइंस तुम दे दो गोरी हम बना देंगे इसका लाश तुम उठा लेना, वह कल अदम ना होए। जे गोरी पग लाशा लेंदे सर वह तो कल अदम ना होए, जिन्हें गोलियां चलाइया वह कल अदम ना होए। कल अदम किन्हें किया? और जिन्हें कल अदम किया और सीधे कली दस जो इन्होंने, चलो मैं प्यार तेन पूछ रहा जब इन्हें तेन कहा तू ऐलान कर तहरीक लबैक का लदम है, एक लम्हे वास्ते भी तेन गैरत ना आई, एक लम्हे वास्ते भी तेरी गैरत ना जाती? और तो ऐलान कर रहे थे हमने कलादम करार दे दिया है, फिर मीडियम के बेगैरत पर के उसे कह रहे थे हमारे तहरीक लबैक के साथ मुजाकरात हुए हैं, कलादम तकरीबन मुजाकरात होंगे ने अंदरों पानू भी पता है लखा सलाम अमन बाबा की आसमान इन्होंने सुती हुई कौम को इसके रसूल ना जगा दिया, और लखा सलाम और किबला अमीर उल मुजाहिदीन के लखते जिगर नूरे नजर अलामा हाफिज साहब हुसैन रजवी थे, लखा सलाम और जुल्मों के शब्दों की आंधियां चलाई गई, जबरन इस्तेदाद के पहाड़ तोड़े गए और जदों भी सर उठाया और मैं इन्हें जाना दुनिया से मुसलमान गया किसी गल की परवाह नहीं। लखा सलाम उस्मान जिन्हों का खामत सारी जिंदगी हजूर देश के खराने पढ़ता रहा, जवान पुत्र